कि अगर आप कह रहे हो कि खून एक गंदी चीज़ है जो उसको खिला रहे हो उसके असर इसके ऊपर आएंगे, तो उसका जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या देसी मुर्गी कीड़ा खाती है, सूंडिया खाती है, या गंदी जो कीचड़ की जगह होती है वहां से चुपके खाती है? तो उसका जवाब है, अगर मुर्गी अपसरार मौत हुई और 2015 में उनका इंतकाल हो गया। अगर आप कुछ भी ना करें, आप खालिद साहब का नाम देख लें, तो ये अभी हयात हैं और इनकी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी नहीं है, इनकी डिग्री हिस्ट्री के अंदर है। और इनके सबसे पहले तो आप ये देखें, जो मीट के ऊपर जो निशान आ रहे हैं, ग्रीन कलर का शेड आ रहा है, इसके अलावा ये कि कोई भी किसी किस्म का कोई कलर आपको शो नहीं हो रहा, तो ये दो किस्म की वजह से हो सकती है। एक तो ये कि बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए, और ये निकाले सिर्फ इसलिए हैं कि आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ पोल्ट्री को लेकर चीज़ें चल रही हैं कि पोल्ट्री के अंदर ये चीज़ आ रही है, वो आ रही है, ब्रॉयलर मीट को लेकर आनी है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वीडियो शुरू होने से पहले, कि ये जब होता है, जब मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना, और एक फिर मुहिम चलती है उसको गिराने की। खैर हम वो बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने दो वीडियोस को डिस्कस करना है, जिसमें पहली ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली मीट के अंदर कुछ हमें चीज़ें दिखाई गई। मैं वीडियो कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा, आप वो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी कहीं पर भी। और उसके अलावा ये सेकंड वीडियो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या शो किया गया है कि जो पोल्ट्री है वो पिक से तशबीह दी गई है उसको, कि पिक के अंदर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अच्छा पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अभी इस टाइम पे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की छत पे बैठे हुए हैं, और मैं खुद फार्मिंग 6 साल से कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ हमारे पीछे ब्रॉयलर फार्मिंग हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उससे उठकर आ गए, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो एक आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहे थे कि हम लोग यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, और पीछे भी बहुत सारे मौजूद हैं, आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी लोग दिखाते रहेंगे, टीचर्स वगैरह। अच्छा जी, पहले जो आपको चीज़ बताएं ना, अगर हम बात करें इस पहली वीडियो की, तो इसमें साहब ने क्या बताया, साहब ने बताया कि एक साहब ने कहीं पे पेशेंट हुई करी, और वो किताब हमें यहाँ से मिली जिसके हमें रेफरेंस से पता लग रहा है वो आलिम है, और उनकी एक पेशेंट हुई थी कि यहाँ के जो, यानी कि हमारे खत्ते के जो लोग हैं वो लोग सुअर टाइप की कोई चीज़ खाएंगे और जिससे उनके अंदर फाशी वगैरह आ जाएगी। अच्छा पहली बात, चिकन सिर्फ हम कंज्यूम नहीं करते, चिकन जो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ निकालें तो उसमें रशिया, US, जापान और इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे पास तो उनका शायद 10% भी कंजम्पशन नहीं है। तो ये बात कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात हो गई, इसका तो कोई सरोकार बेसिकली है ही नहीं। अच्छा सबसे मज़ेदार बात जो आपको बतानी है ना, जिसके लिए हमने वीडियो को रोका हुआ है, इन साहब ने वीडियो के अंदर एक साहब को लिया है, और साहब का नाम है स्टॉट जोन्स, और बेसिकली इनका रेफरेंस बेसिकली ये दिया गया है कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के हेड थे डिपार्टमेंट के। अच्छा अगर आप उनके, और उनको कहा ये गया लास्ट के अंदर कि उनकी पुरस्कार मौत हुई और 2015 में उनका इंतकाल हो गया। अगर आप कुछ भी ना करें, आप खालिद साहब का नाम देख लें, तो ये अभी हयात हैं, और इनकी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी नहीं है, इनकी डिग्री हिस्ट्री के अंदर है। और इनके जो रिसर्च पेपर है वो फ्रांस की बेसिकली उससे रिलेटेड है, फ्रांस की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसके अलावा कॉलोनियलिज्म वगैरह से रिलेटेड है, और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं है कि इनका बायोटेक्नोलॉजी से कोई खान निकलता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात पता है क्या, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये साहब हयात हैं, लिंक्डइन पे ये अवेलेबल हैं, करंटली ये 2018-2019 के अंदर इनके अभी भी ये है, यानी कि इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। लिंक्डइन पे तो एक महीने का पहले का भी इनका पोस्ट लगा हुआ है। तो ये बात कि ये साहब की डिग्री, वो तो बिल्कुल ही आपको पता है ना कि बिल्कुल पता नहीं कहाँ से इन्होंने रिसर्च करी, कि ये किसी रेफरेंस से बनती ही नहीं है, कहाँ से इन्होंने जोड़ा, क्यों जोड़ा, इसका कुछ नहीं पता। अच्छा ये तो पहली बात हो गई कि इस पहली बात की सदाकत क्या है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और ले ली कि लौकी जो थी, लौकी की बहुत ज़्यादा अफादियत थी, अगर वो शेयर हो जाती तो फिर मुसलमानों का पता नहीं क्या हो जाता। तो वो करें ना करें, हमारे नज़दीक जो बाकी के वो हैं, लौकी जिसका नाम कहते हैं कि हमारे नज़दीक अच्छा फल है, तो वो हमारे यहाँ है ही, अगर अंग्रेज़ों को पता लगे ना लगे वो एक बात की बात है। दूसरी बात, दूसरी वीडियो के अंदर बात की गई कि चिकन जो है उसके अंदर आपने देखा होगा कि कलर आया हुआ था, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, तो उसको फैज बताएगा कि उसका रीज़न क्या था। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो मीट के ऊपर जो निशान आ रहे हैं, ग्रीन कलर का शेड आ रहा है, इसके अलावा ये कि कोई भी किसी किस्म का कोई कलर आपको शो नहीं हो रहा, तो ये दो किस्म की वजह से हो सकती है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो फ्लॉक था उसके अंदर डिजीज़ आ गई थी, तो हमने एंटीबायोटिक दी थी इसको, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए, कोलेस्टीन वगैरह होते हैं, दूसरे इंजेक्शन होते हैं, उससे ये होता है कि फौरी तौर पे जब आप मार्केट करते हो ना, तो ये इस तरीके से निशान आ जाते हैं। तो बेसिकली एक तो वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि कोई वैक्सीन का हो सकता है रिएक्शन भी हो। लेकिन ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ कि मैं पर्सनली खुद भी मीट सेल कर रहा होता हूँ, दूसरे भी आप देख सकते हो पूरे कराची में, क्या पूरे पाकिस्तान में, आपको बताया हर शॉप पे आप लाइव जाके देख सकते हो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त ये आवाज़ उठती है जब ये रेट इसका ऊपर हो रहा होता है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो ब्रॉयलर के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, लोग बोल रहे हैं कि ये AI जो है ये सही नहीं है, कुदरत के उस पर बच्चा नहीं हो रहा, तो भाई मैं सिर्फ ये बोलूँगा, जो सीमेन है बेसिकली, जो आप बीफ खा रहे हो क्या वो सही है?
सिर्फ आप ब्रॉयलर के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो हम तो आपको साइंस के ऊपर जो है ना अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी चीजें दे रहे हैं। अब हराम है हलाल है उस चीज के ऊपर हम उस पर नहीं जाएंगे इल्म के उस पर, लेकिन ये कि हम साइंस के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें एक करेक्शन कर दूं, हमने नहीं दिया, पंजाब की वीडियो है, वो पंजाब में कोई साहब ने किया है। अच्छा, और उसके अंदर एक बात मैं आपको ऐड कर दूं कि बेसिकली जो अभी तक का कॉन्सेप्ट है ना, देखिए इस तरह का कभी चिकन आएगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी लेबोरेटरी से कॉन्टैक्ट करके उसकी एक्चुअल वो रीज़न तो निकालें, क्योंकि आप लोग भी अपने एरिया में चिकन कटवा रहे हैं, वहाँ पे नहीं दिखा हुआ होगा। अभी तक जो पॉसिबल रिजल्ट निकला है, यानी कि जो हमने एक्सपर्ट से बात करी है, जो लोग इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं, उन्होंने कहा यह है कि बेसिकली हो सकता है कि चिकन बीमार हो, उसको इंजेक्शन देके सही किया उसके चेस्ट के ऊपर कि वो सही हो जाए, लेकिन वो जब वो सही नहीं हुआ तो उसको वहीं पर ही सेल कर दिया, तो उस वजह से वो जो लिक्विड था ना वो सही तरीके से बॉडी में तहलील नहीं हुआ, तो उस वजह से वो जो निशान है ना ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का वहाँ पर मौजूद है। सवाल ये था कि उस वीडियो में अगर हम कहीं और देखें तो उसे लेग पीस कहीं से नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट काटा, क्योंकि जो इंजेक्ट की जाती है ना कोलिस्टीन वगैरह, स्पेशली एंड्रोफ्लॉक्सिसिन वगैरह, ये सब की सब जो है बेसिकली चेस्ट के अंदर इंजेक्ट की जाती है या लेग के अंदर की जाती है, और इस व्लॉग में लग रहा है कि चेस्ट के अंदर इंजेक्ट की जाती है, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं वीडियो को एंड करने से पहले बस कर दूंगा कि देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये दो वीडियोस था, जिसका आपने प्रूफ जो है ना वो बिल्कुल देख लिया है कि ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है, बस लोगों ने फालतू में इसको किया और इतना प्रमोट किया कि इसका कोई सर्वर नहीं है, यानी कि आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने शेयर करनी है, और अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आपको लगता है कि वाकई में पोल्ट्री ख़राब है, तो आप कमेंट करें, इस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी, और आप कहेंगे तो जो PhD स्कॉलर्स हैं पोल्ट्री से रिलेटेड पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, उन सबको इसके अंदर ले लिया जाएगा और फिर उस पर एक डिटेल वीडियो बन जाएगी। सर, एंड करने से पहले कोई बात कहना चाहेंगे आप? भाई यही है कि आप लोग फिर बता दिएगा, यही है कि हमने सारी चीज़ आपको बताएंगे, भाई ब्रॉयलर के ऊपर जो हकीकत थी हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब लोग ये इसमें कमेंट करेंगे कि भाई फलाना मुफ्ती ने ये बोला है, फलाना मौलाना ने, देखें हम इसमें जो है बेसिकली इसके उसमें नहीं पढ़ेंगे, इस्लामिक उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1400 साल पहले हम सबको बताया कि भाई हज़रत अली ने जब ये सारी चीज़ें बता दी थी कौन सी हराम है कौन सी हलाल है, उसके बाद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं निकली, मकरूह तक हमें पता है कि भाई क्या चीज़ें। और जब आप ये देखेंगे पिछले 6 महीने से जब रेट कम था उस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठी, ये हर साल का यही है कि यार मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, हर साल जो है जब भी रेट ऊपर होता है सिर्फ ब्रॉयलर के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मकसद यही है कि इसकी इंडस्ट्री तबाह करने के लिए, वैसे ही इसका रेट स्टेबल नहीं होता, और अगर ये इस तरीके से होने लग गया ना तो भाई ये चीज़ पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो खत्म। अच्छा जी, लास्ट चीज़ में और ऐड कर दूँ, हराम हलाल से रिलेटेड एक साहब का मैसेज होता है कि भाई आप इसको खून खिलाते हो, यानी कि खून इसकी फीड में देते हो या बोन मील देते हो या हराम कोई चीज़ यूज़ करते हो, यानी कि सबके नज़दीक खून हराम है। तो देखें, सवाल इसका जवाब ये है कि अगर आप कह रहे हो कि खून एक गंदी चीज़ है जो उसको खिला रहे हो उसके असर इसके ऊपर आएंगे, तो उसका जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या देसी मुर्गी कीड़ा खाती है, सूंडियाँ खाती है, या गंदी जो कीचड़ की जगह होती है वहाँ से चुपके खाती है? तो उसका जवाब है, अगर मुर्गी अब से नहीं 1000 साल से यही चीज़ खाती हुई आ रही है, तो अगर उस टाइम पर वो चीज़ अगर जायज़ है तो फिर ये 100% जायज़ होनी चाहिए। यानी कि मुर्गियों को ऐसा तो नहीं है ना कि मुर्गी मक्खी की तरह भूल के ऊपर जाती है वहाँ से रस खींचती है, मुर्गी खाती ही चीज़ है यार, छोटे छोटे चूहे। यानी कि जो प्रोटीन का सोर्स है ना बेसिकली जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है वो इससे बिल्कुल किया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल बोन मील्स होती हैं, ड्राई फिश मील होती है, या उसके अलावा ब्लड मील होती है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने प्रोटीन उसको पूरा करना है। और अगर आपको लगता है अभी हराम है तो मुझे सिर्फ इसका जवाब दे देगा कि जो मुर्गी कीड़ा खाती है मार्केट में घूम वगैरह के, तो उसका अंडा हलाल है या हराम है? तो भाई यही है कि बस वीडियो को वलीद भाई पर एंड करें, तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर अच्छी लगी तो आपने शेयर करनी है, हर उस शख्स से शेयर करनी है जिसको लगता है कि मुर्गी हराम है या किसी तरह का भी कोई भी मसला है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमसे जरूर करें। देखिए उसका फायदा पता है क्या होगा, हम लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से कम किसी ऐसे शख्स को बिठाया जाए जो पोल्ट्री के अंदर ही ऐसे बात एक्सपर्ट हो, यानी कि डिटेल वीडियो फिर आपके हिसाब से होगी, तो इसका जवाब फिर आप लोगों ने देना है और शेयर जरा भी करना है।